सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस सीजन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यह टीम जहां 7 में से 5 मुकाबले गवा कर पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पर खिसक गई है, वहीं अब टीम के स्टार ऑलराउंडर वशिकटन सुंदर भी आईपीएल से बाहर हो गए। हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद के पास फिलहाल वशिकटन सुंदर के जाने से खाली हुई जगह भरने के लिए कोई अच्छा विकल्प भी नहीं है। ऐसे में यह टीम कैसे संकट से उभर सकती है, यह देखने वाली बात होगी। वशिकटन सुंदर एक स्पिन ऑलराउंडर है, वह कसी हुई गेंदबाजी करने में तो माहिर ही है, साथ ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की भी काबिलियत रखती है। इस सीजन में भी उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से दम दिखाया। वे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को गेंदबाजी और बल्लेबाजी में संतुलन प्रदान करते हैं। अब उनके जाने से टीम प्रबंधन निश्चित तौर पर चिंता में होगी, क्योंकि उनके अलावा इस टीम में अन्य कोई बेहतर स्पिन ऑलराउंडर नहीं है और न ही रिप्लेसमेंट कलान करने का कोई अच्छा विकल्प बचा है। संभवतः एसआरएच ऐसे मौके पर विवरांत शर्मा को मौका दे सकती है। इसके अलावा मयंक डांगर और समर्थ ब्यास भी स्पिन ऑलराउंडर विकल्प है, लेकिन विवरांत इन दोनों के मुकाबले थोड़े बेहतर नजर आते हैं। यह भी हो सकता है कि एसआरएच अब्दुल समद को मौका दे। वैसे समद बल्लेबाजी में ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन गेंदबाजी में थोड़े कम कामयाब रहे हैं। यह भी हो सकता है कि एसआरएच की टीम विदेशी स्पिनर आदिल रसीद और अकील होसोन में से किसी एक को टीम में जगह दे। ऐसे में मॉर्क योनसेन को बाहर बैठना पड़ेगा और उनकी जगह किसी एक भारतीय बैटिंग स्पेशलिस्ट को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। यहां अब्दुल समद और नीतीश रेड्डी भी विकल्प हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, वशिकटन सुंदर के जाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।